हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है जहां आप अपनी स्टोरीज सबमिट कर सकते हैं। एंड प्लीज फॉलो दिस फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग योर स्टोरी। नॉर्मली मैं आप लोगों की ही स्टोरीज इस चैनल पे सुनाता हूं, पर आज मेरे पास हैदराबाद से एक ऐसी स्टोरी है जो आपको शॉक कर देगी। दिस स्टोरी लिटरली गेव मी चिल्स, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये सुनाता हूं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। आज की कहानी कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की है, जो कि हैदराबाद के हार्ट में है। इस घर से टूरिस्ट लोगों का काफी समय से अट्रैक्शन रहा है। पॉश एरिया में है ये घर, और ये घर एक बहुत ही अमीर आदमी वशिष्ठ नारायण सिंह का है, जिनके मरने के बाद इस घर में बहुत ही ज्यादा अजीब सी सुपर नेचुरल और भूतिया चीजें हो रही हैं। हम मिस्टर सिंह और उनकी फैमिली के बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये कहानी शुरू होती है 2002 में, वो भी एक चोर से जिसका नाम था मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद कई दिनों से वशिष्ठ नारायण के इस बंगलों पर नजर रख रहा था। जैसा कि पिक्चर्स में भी दिख रहा है, ये घर बहुत ही सुंदर था। पॉश एरिया में होने की वजह से साजिद को पता था कि यहाँ बहुत सारा पैसा, गहने और वैल्यूबल चीजें मिलेंगी। तो साजिद ने इस घर को लूटने का प्लान बनाया। उसने एक रात अपने पास चाकू और एक बैग लेकर इस घर में पीछे वाली खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करी। इस चोर को पता था कि यहाँ के लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, क्योंकि उसने कभी भी इस घर में ना तो किसी को आते हुए देखा था और ना ही कभी बाहर जाते हुए देखा था। साजिद ने पहले ग्राउंड फ्लोर को टटोला, पर उसे वहां जेवरात या पैसे नहीं मिले। तो उसे लगा शायद बेडरूम ऊपर है और वहां ही इन लोगों ने जेवर रखे हैं। तो वो अपने हाथ में चाकू लेकर सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर में जाने लगा। ही वॉज रेडी टू अटैक एनीबडी, क्योंकि उसके मन में तो लालच था। पर जैसे ही साजिद ने बेडरूम को अप्रोच करा, उसे एक अजीब सी स्मेल आई, रॉटन और सड़ी हुई सी स्मेल। और बेडरूम का दरवाजा खोलकर इस चोर ने देखा कि बेड पर तीन लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो पीछे दीवार से चिपक गया। इन लोगों को मरे हुए काफी टाइम हो गया था, क्योंकि उनसे बदबू आ रही थी और ये बॉडीज अब डिकम्पोज होने लगी थी। तो डर से ये चोर सबसे पहले तो घर से बाहर भागा, पर फिर उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं? अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया, चोरी के चक्कर में नहीं बल्कि खून के चक्कर में मुझे सजा सुनाई जाएगी। तो इस चोर ने ये डिसाइड करा कि मैं खुद पुलिस पर जाकर इन लोगों की रिपोर्ट बता देता हूं। और रात में ये चोर पुलिस के पास चला गया था। अब भाई, अगर चोर रात में पुलिस के पास जाएगा ऐसी चीजें बोलकर, तो पुलिस भी क्या ही समझेगी। उन्होंने भी पकड़ लिया साजिद को, ये सोचकर कि इसी ने इन सबको मारा होगा। वो बोलता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज आप मुझे जाने दो। फिर भी पुलिस ने उसकी एक बात नहीं सुनी। तो पुलिस की एक टीम ने फौरन साजिद को लेकर इस घर में जाने का प्लान बनाया। उन्होंने घर में एंटर करा और देखा कि सच में बेडरूम में तीन लाशें हैं और उनसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। वो भी रात का टाइम था और डेड बॉडी देखकर तो कोई भी डर जाता है, पर यहाँ तो तीन तीन लोगों की बॉडी बेड पर थी। बॉडीज बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो गई थी, फूल गई थी, तो ये पता कर पाना मुश्किल था कि ये लोग कौन है। पर पुलिस ने बॉडीज को जांच के लिए फॉरेंसिक के पास भेज दिया। अब पुलिस वालों के दिमाग में ये था कि इस ही आदमी ने इन्हें मार दिया है और ये सब कुछ शायद 4-5 दिन पहले हुआ होगा, पर गिल्ट की वजह से ये सब कुछ हमें बताने हमारे पास खुद आ गया। पर जब इन बॉडीज की रिपोर्ट आई, तो पुलिस भी बहुत शॉक में थी। इन तीनों की मौत 4-5 दिन पहले नहीं बल्कि 3 महीने पहले हुई थी, 2002 जून में। और ये इन्फॉर्मेशन बैकअप करने के लिए पुलिस को उनके घर से जो लास्ट न्यूज़पेपर मिला था उसकी डेट थी 21 जून 2002 की। सो इस न्यूज से ही पुलिस ने और फॉरेंसिक ने भी ये डिड्यूस करा कि इन तीनों की मौत 21 जून 2002 के आसपास कभी हुई थी। पर ये कैसे मरे, किसने इन्हें मारा या फिर इनका मोटिव क्या था मौत की वजह से, ये अभी पुलिस को नहीं पता था। रिपोर्ट्स में ये था कि इन लोगों ने पॉइजन लेकर अपने आप को मार दिया है। सो बेसिकली ये अपनी मर्जी से ही मरे थे। और जब पुलिस ने भी घर छाना था, तो उन्हें बेडरूम के पास एक फिनाइल की बोतल मिली थी। पर उसके साथ ही साथ पुलिस को इस घर में अजीब से तंत्र मंत्र और काला जादू जैसी चीजें भी मिली थी। कुछ लोग बोलते हैं कि जहां उनका बेडरूम था, बेडरूम के ठीक नीचे वाले रूम की सीलिंग पर अजीब सा एक पैटर्न बना हुआ था, जो कि सूखे खून सा लग रहा था।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरीज है कुंदन बाग के इस घर को लेकर, पर पुलिस की गाड़ियां देखकर और एम्बुलेंस बाहर पर खड़ी देखकर आसपास के लोग क्वेश्चन पूछने लगे। और फिर किसी एक आदमी ने सबको बता दिया कि अंदर ऐसे ऐसे हुआ था, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब सारे कुंदन बाग के लोग, सारे पड़ोसी शांत थे, सब डर गए थे और सोचने लगे थे कि ये हुआ तो क्या हुआ, ऐसा भला हो कैसे सकता है कि ये लोग 3 महीने पहले मर गए। क्योंकि जब पुलिस ने नेबर से पूछताछ करी कि तुम्हें पता है ये लोग 3 महीने पहले क्या क्या कर रहे थे या फिर कहाँ गए थे, तो पड़ोसियों ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 3 महीने पहले मरे हो, क्योंकि हमने इन्हें कल ही देखा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि खाना खाने के बाद ये टहलने बाहर आते थे, और कुछ ने इनके कमरे की लाइट की वजह से इन्हें घर के अंदर ही कुछ दिनों पहले देखा था। पुलिस ये सब कुछ सुन तो रही थी, उन्हें डर भी लग रहा, पर ऐसा हो कैसे सकता है कि जो लोग 3 महीने पहले मरे हो उन्हें ये पड़ोसी कुछ दिन पहले अपने ही घर में देख रहे हो। पुलिस ने फिर पूछा कि यहाँ आखिर रहता कौन था, तो पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में 3 लोग रहते थे, 1 माँ और 2 बेटियां, और ये तीनों ही बड़े अजीब से थे। जो इस घर के असली ओनर थे विश्वनाथ, उनकी डेथ के बाद से ही इस घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थी। सबसे पहली बात तो ये कि विश्वनाथ जी भी बड़े अजीब से आदमी थे, इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो बहुत ही बड़े कंजूस थे। उनके घर में बस वो और उनका बटलर अब्दुल रहता था, और अब्दुल ने कई बार बोला था कि सर ये घर अब टूट रहा है, ये घर अब पुराना हो रहा है, आपको इसे रिनोवेट कराने की जरूरत है। तब भी विश्वनाथ जी अपने जेब से 1 रुपए नहीं निकालते थे इस घर को ठीक कराने के लिए। पर विश्वनाथ की मौत के बाद ये घर गया उनके बेटे को, जिसको इंडिया में रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बाहर रहना था US में, तो वो ये घर रेंट में देने के लिए तैयार था। पर आसपास के लोगों ने ये देखा था कि विश्वनाथ की डेथ के बाद यहाँ जो भी आता था उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही थी, या तो वो लोग अचानक घर छोड़कर चले जाते या फिर उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता जिससे उन्हें ये घर छोड़ना एक मजबूरी बन जाती थी। तो ज्यादा टाइम यहाँ लोगों के नहीं रहने पर भी इन सब के बीच में ये एक कपल इस घर में आया। पहले तो ये लोग भी नॉर्मल थे, इनकी शादी भी हो चुकी थी, पर यहाँ रह रहे लड़के को ये नहीं पता था कि उसकी बीवी मेंटली अनस्टेबल है। उसे लगा शायद नई नई शादी हुई है इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रही है, जब बच्चे आ जाएंगे तो शायद ये ठीक हो जाएगी। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। इन दोनों की 2 बेटियां पैदा हुई और फिर भी इसकी बीवी की हालत ठीक नहीं हो पा रही थी, तो इस बाप ने अपनी बच्चियों को अपनी माँ के पास इस ही घर में छोड़ दिया था, और वो डिवोर्स करके हैदराबाद से कहीं बाहर मूव हो गया। पर डिवोर्स के बाद ये औरत कुछ पागल सी हो गई थी, वो देर रात को इस घर के चक्कर काटती थी, कभी कुछ मुंबल करते हुए तो कभी आधी रात में हाथ में कैंडल लेते हुए, कभी उसकी बेटियों के हाथ पर खून लगा रहता था तो कभी वो चुपचाप घर की तरफ मुंह करके बैठे रहते जैसे कि वो किसी की आवाज सुन रहे हो। बल्कि एक पड़ोसी ने तो 2 दिन पहले ही इस औरत को अपनी कार के बगल में खड़ा देखा था, जहां इन बच्चों की माँ खाली आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रही थी जो कि कार के अंदर बैठे थे, और अपना सर घुमाकर पीछे मुड़कर सड़क की तरफ चल रहे लोगों को देख रहे थे। आई डोंट नो, समथिंग अबाउट दीज स्टोरीज रियली क्रीप्स मी आउट। आई मीन, तुम ये सब कुछ मूवीज में देखते हो, यू नेवर इमेजिन दिस थिंग कि ये असली जिंदगी में भी हो सकता है, पर हमारे देश में भी ये सब कुछ हुआ था। वो एक और चीज बताने में भूल गया था यहाँ पर कि जब पुलिस ने यहाँ एंट्री करी थी तो इस घर की दीवारों पे बाहर पे कुछ खून के छींटे मिले थे। नाउ ये चीज क्लियर नहीं है कि ये खून के छींटे उस दीवार पे कितने दिन से थे या फिर ये खून ही था और वॉज इट जस्ट कलर, पर हाँ मल्टीपल लोगों ने ये खून के धब्बे उस दीवार पर देखे थे। तो इन सब गवाहों को सुनकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस घर में रहने वाले लोगों की मेंटल स्टेट सही नहीं थी, और उन्होंने प्रेशर में आकर फिनाइल पीकर अपनी जान ले ली। इवन दो नेबर्स की स्टेटमेंट इस चीज के अपोजिट थी, फिर भी पुलिस ने यही कहा कि ये सब 3 महीने पहले ही मरे हैं। और इस पुलिस इंस्पेक्शन के बाद कुंदन बाग का ये घर एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लोग बाहर से, अलग अलग स्टेट से इस घर पर आते यहाँ देखने कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। कहीं लोग यहाँ से बहुत सारी भूतिया कहानी भी बताते थे, सो यू नो इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव टू दोस काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो। पर इस मौत के कुछ महीने बाद यहाँ सब कुछ शांत सा हो गया था, और जो पहले इस घर का खिंचाव था ये भूतिया सी जगह,
वो अब शांत हो गया था। तो 2002 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस जगह को खरीद लिया जहां वो एक नया रेजिडेंस बनाकर इसे बेचना चाहते थे। दिस वॉज अ गुड बिजनेस मूव क्योंकि पुराने घर से तो कोई भी इस जगह को नहीं खरीदता। सो दे थॉट कि अगर यहाँ पर नया घर हो, एक नई स्टोरी हो, तो शायद लोग इस जगह को खरीद लें और ये लैंड बर्बाद ना जाए। पर 2002 के एंड में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो घर तोड़ने से पहले ही जो इंजीनियर्स इस घर में रह रहे थे उनके साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी। नए घर के कंस्ट्रक्शन के जो प्लान्स थे वो अचानक से फट गए और एक इंजीनियर तो इतना बीमार हो गया कि उसके नाक से खून आने लगा था। और फाइनली फिर एक रात को उन्हें इस घर की दीवार पर कुछ अजीब सा सिंबल दिखा। जो इंजीनियर्स यहाँ रह रहे थे वो वहाँ से सीधा भाग गए और फिर कभी भी इस घर को टच नहीं करा गया। और जब से कंस्ट्रक्शन साइट ने इस जगह को छोड़ा है तब से ही ये घर एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। कहीं सारे दीज व्हाट यू कॉल देम घोस्ट हंटर्स, बहुत सारे घोस्ट हंटर्स आते हैं यहाँ हैदराबाद में इस घर में, लेकिन किसी को भी अभी तक ऐसा कॉन्क्रीट कुछ नहीं मिला है। आई डू बिलीव दिस थिंग कि इस घर में कुछ प्रेजेंस होगी क्योंकि इतने सारे लोगों ने कहा है और नेबर्स जो वहाँ इतने साल से रह रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि यहाँ कुछ है तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जैसे घोस्ट हंटर्स या फिर घोस्ट बस्टर्स बोलते हैं ना इतने सारे साउंड इफेक्ट लगा के, आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। वेल, जो भी इस घर में प्रॉब्लम थी वो सब की सब विश्वनाथ जी के मरने के बाद से शुरू हुई। सो मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद विश्वनाथ्स डेथ। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, लेट मी नो दिस थिंग। And thank you so much for watching this video with me. अगर आपको अपनी stories मुझे submit करनी है, then there is a Gmail ID in my description. Well, with that, ये video यहीं पे खत्म होती है. I hope that you're happy. I hope that you're healthy. And I will see you very, very soon. Bye, bye.